हेलो, कैसे हैं बच्चे आप? नाउ स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई टॉट एक्टिविटी टू. इन दैट एक्टिविटी आई एक्सप्लेन द प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. नाउ लेट्स रीड दिस. सपोज हियर आई गिव यू वन नंबर, दैट इज 2.5. Now you write in expanded form. The expanded form of this number is 2 plus 0.5. This form we called as expanded form. हम expanded form में क्या करते हैं? Numbers को separate किससे करते हैं? Plus signs. Now if suppose in our question the expanded form is given. And tell that you write in short form. Expanded form given है बच्चों, और उससे हमें short form लिखना है. तो this form is called the expanded form and this form is called the short form. ये इसकी short form है. इस तरीके से दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर इस short form में given है और expanded पूछा है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. Now द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल नंबर. तो प्लेस वैल्यू पूछी ईच डेसिमल नंबर की. ईच नंबर यू राइट डाउन द प्लेस, ईच डिजिट यू राइट द प्लेस वैल्यू. तो हाउ यू राइट दिस डिजिट? हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो दिस डिजिट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, बिकॉज 2 इज इन वंस प्लेस, दैट्स व्हाई 2 × 1, दैट इज 2. नाउ this 5, the place value of this 5, that 5 is in tens place, so the place value of 5 is 5/10. ये हमने कल पढ़ा था बच्चों. Now today we will start activity 3, that is the our subtopic, that is like and unlike decimal numbers. Now I explain what is like decimal numbers. The like decimal numbers, like decimal numbers with the same number of decimal places are called like decimal numbers. For example, 9.25 and next is 1.38. Both the decimal numbers are like decimal numbers, because decimal numbers with the same number of decimal places, the same number of decimal places are there. That's why we can say both the decimal numbers are like. Clear? Now the next is unlike decimal numbers. Decimal numbers with different number of decimal places are called unlike decimal numbers. For example, 8.5, and the next is 7.23. Here you see after decimal only one number is there, and here after decimal two numbers are there. So we can say these decimal numbers are unlike decimal numbers. Now it is clear the difference between these two, like decimal numbers and unlike decimal numbers. Now students, we start our activity 3. Our activity 3, you see the question number 1. Question number 1, I read question from the book. Convert the unlike decimals to like decimals. अभी हमने पढ़ा था, हमें इसमें अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नाउ यू सी द ए पार्ट, किस
किस तरीके से हम चेंज करेंगे बच्चों, दैट इज दिस. द फर्स्ट पार्ट इज 5.8, 79.25 एंड 0.008. क्लियर? द थ्री डेसिमल नंबर्स आर गिवन. अब हम यहां पर सबसे फर्स्ट हमें क्या चीज देखनी होती है. फर्स्ट यू सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर. मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखेंगे गिवन नंबर में. जैसे ये नंबर है, ये है मैक्सिमम नंबर. हमें यहाँ पे कितना है, 3 है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर इज 3. नाउ यू कन्वर्ट इट इनटू 3. अब हमें इसे 3 में कन्वर्ट करना है आफ्टर डेसिमल. और हमेशा ये याद रखना है बच्चों कि डेसिमल के बाद जो नंबर गिवन है उसके बाद राइट प्लेसेस पे हमको क्या लगाना है, जीरोस लगाना. तो हियर आंसर दैट इज 5.8 को हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वी राइट लाइन इज 5.800. राइट में लगा दिया तो आप देखिए डेसिमल के बाद हमारे कितने नंबर्स आते हैं, 3 नंबर्स. और उसके बाद उनकी जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती राइट में, इसलिए हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते. नाउ इन सेकेंड दैट इज 79.25. अब 79.25 हाउ यू चेंज इट, यू राइट 79.250. ओनली हम 10 लाइट में पुट करेंगे बिकॉज आफ्टर डेसिमल द टू नंबर्स आर देयर, टू नंबर्स हैं. और 3 नंबर्स बनाने के लिए हमें एक ही 0 लगाना पड़ेगा एंड 0.08. दिस इज द सेफ. ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, इसे हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी डेसिमल के बाद इसमें 3 नंबर्स रखे. नाउ स्टूडेंट्स इट इज क्लियर कि हाउ यू विल कन्वर्ट इट. वन मोर पार्ट यू सी, एक और पार्ट आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स द सेकेंड पार्ट दैट इज द पार्ट यू सी बी पार्ट 0.6 33.519 and the next is that is 9.7. Now the first step, अभी हमने आपको बताया था कि first step में what you will see, in first step you will see that is the you convert this decimal, that is the maximum number of decimal places at the given number is, that is 3. सबसे पहले हमें maximum number of decimal places देखना है कि जो number हमें दे रखा है उसमें maximum number of decimal places कितनी है. यहाँ पे हमने देखा कितनी है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी only 1 है, यहाँ पे 3 है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन नंबर इज 3. इट मींस अब हमको इसको कन्वर्ट करना है और हर नंबर में डेसिमल नंबर के बाद कितने नंबर्स हो जाने चाहिए, दैट इज 3. दिस क्लियर? अब हमारी फर्स्ट स्टेप हमारी क्लियर हो गई. उसके बाद हम देखेंगे 0.6 है, 0.6 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 0.6 जीरोस. राइट में हम हाउ मेनी जीरोस लिखो, दैट इज 2 जीरोस. राइट में हम इसके 2 जीरोस लगा देंगे तो आफ्टर डेसिमल द 3 नंबर्स आते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट 3.519. नाउ एज इट इज नो चेंजेस आर देयर क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3. तो इन दिस डोंट चेंज इट, ये एज इट इज. Now this 9.7.
9.7 को चेंज करेंगे, वी राइट इट 9.700 बिकॉज आफ्टर दैट हाउ मेनी जीरोस वी पुट, दैट इज 2 जीरोस, तभी तो ये डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होगा, 3 नंबर्स होगा. नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू किस तरीके से हम अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. क्लियर. नाउ दे सी एंड डी पार्ट सेल्फ डूइंग होमवर्क. लाइक डेसिमल नंबर्स में देखा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमने क्या देखा कि दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज ग्रेटर, क्योंकि 750 एंड हियर इज 705. नाउ यू सी द सी पार्ट. इन सी G3.83 and 3.38 both are like decimal numbers. Now after decimal the two numbers are there, here also the two numbers, 3 here is also 3. After that point ke baad kya hai, that is 8 and here that is 3. Which one is greater? That is 3.83 is greater. Now the next one, that is the D part. Now in D part you see 150.06. Then 0.006. अब आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है. तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, और इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3. तो हमें पहले से लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना, मतलब आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स होने चाहिए, 3. अब इसमें हमने क्या लगा दिया, 0 और, ठीक है. अब हमने देखा कंपेयर किया कि 0.0 इक्वल है, देन 0.0 इक्वल है, देन 6 और यहाँ पे क्या है, 0. तो 6 इज ग्रेटर, 0 इज स्मॉल, तो दिस वन इज ग्रेटर देन, ये वाला बड़ा हो जाएगा. इस तरीके से हमें कंपेयर करना है बेटा. फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल नंबर्स, देन यू सी विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस. क्लियर. नाउ ई टू एच पार्ट सेल्फ डूइंग बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3. That is, arrange the following numbers in ascending order. Question number 3. Arrange in ascending order. Now, how you will arrange the decimal numbers in ascending orders? That is number A, 6.30. 2.4, 5.37, 8.14, 6.03, 1, 2, 3, 4, 5. 5 decimal numbers are given. Now how you will arrange in ascending? Ascending means smaller to greater. ये आपको पहले बताया बच्चों कि ascending में क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर चलते. अब इसमें हमें सबसे पहले first you will convert it into like decimal numbers. सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि आफ्टर डेसिमल द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस,
इन द गिवन नंबर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं हमारे गिवन नंबर में। तो यहाँ देखेंगे वन है, वन टू, टू एंड टू, इट मीन्स टू है। तो हमें जिसमें आफ्टर डेसिमल नंबर ओनली वन नंबर इज गिवन, दैट इट कन्वर्टेड इनटू टू, उसको आपको टू में कन्वर्ट करना है। जैसे 6.3 है, इसमें क्या हो जाएगा 6.30। 2.4 का क्या हो जाएगा बच्चों 2.40। देन 5.37, देन 8.14, देन 6.03। अब आप देखेंगे दिस फ्रैक्शन इज अ लाइक, सॉरी दिस डेसिमल नंबर इज अ लाइक डेसिमल नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेसिमल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर्स देखेंगे कि लाइक डेसिमल नंबर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया पहले। अब हमें सबसे स्मॉलर डेसिमल नंबर देखना है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5, 8, अगेन 6। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें डेसिमल नंबर, दैट इज द 2। तो हमारा ये आंसर में क्या आ जाएगा 2.40। उसके बाद इसका कौन सा होगा नेक्स्ट, 2 के बाद में हमने देखा 5.37। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आया, अब हम इन दोनों में से दोनों का 6 पॉइंट आ रहा है एंड 6 पॉइंट इधर 3 है, इधर 6.0। तो विच वन इज स्मॉलर, 6.03 इज स्मॉलर। वी राइट 6.03, देन वी राइट 6.30, आफ्टर दैट वी राइट 8.14। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करेंगे। द फाइनल आंसर इज दिस, दिस इज द आंसर, ये वाला आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, अगेन आई रिपीट, इट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल, इट कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल नंबर्स, देन वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर हमें अरेंज करना। Now the second part, that is the B part, is same method है बेटा, वही steps follow करने हैं। इसमें भी हमें number B is, that is 0.9, 0.009, then 0.09, then 0.99. Then 9.9। अब हमें इसमें इस तरीके से अरेंज करना है नंबर्स। फर्स्ट वी अरेंजिंग लाइक डेसिमल नंबर्स, हमें लाइक डेसिमल नंबर्स में पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखी बेटा हमने। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है इसमें 3। तो अब सबको हमें क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे 3 नंबर, क्या आफ्टर दैट डेसिमल नंबर कितनी नंबर्स होने चाहिए, आफ्टर 3 नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे देखा डेसिमल के बाद कितने नंबर है, दैट इज ओनली 1, इट कन्वर्टेड इनटू 2। और 2 नंबर्स और आगे हमें कैसे कन्वर्ट करना सिखाया था हमने, कि वी पुट द जीरोस, 2 जीरोस इन द राइट, दैट इज 0.9 का हम क्या लिखेंगे 0.90। ये अगेन इसमें सेम रहेगा 009 एंड इसमें 0.090, देन 0.990 एंड 9.90। अब हमने इस तरीके से सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चे लाइक डेसिमल नंबर्स। नाउ लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको स्मॉलर टू ग्रेटर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, कि हाउ वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में इजीली लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों 0.9 है, इधर 0.0, इधर 0.0, इधर 0.9, देन 9.9, मीन्स ये दोनों में से देखेंगे which one is small। अब 0.009
एंड 0.09 है, तो नंबर वन पे क्या आ जाएगा, ये दिस वन 0.009। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट इज 0.09। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब हम देखेंगे दैट इज वन दैट इज टू। अब 0.90 है एंड 0.990, तो दैट इज थ्री 0.90। एंड नंबर फोर 0.90, 0.99, 0.990, एंड एट लास्ट 9.900। इन दिस वे वी अरेंज। अब इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी अरेंज एन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वी कन्वर्ट इन 12 लाइक डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले हम लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे छोटा उनमें से कौन सा है, फिर हम स्मॉलर टू ग्रेटर डेसिमल नंबर्स अरेंज करेंगे। इन दिस वे वी फॉलो द स्टेप्स। नाउ चिल्ड्रन, सी एंड डी सेल्फ डूइंग होमवर्क। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यू सेल्फ डू इट, बिल्कुल वैसा ही है जैसे असेंडिंग ऑर्डर्स में हमने स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर अरेंज किए थे, वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा आपको ग्रेटर टू स्मॉलर डेसिमल नंबर्स अरेंज करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप सबसे बड़ा वाला जो ग्रेटर डेसिमल नंबर है उसको चूज करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जिस तरीके से हमने असेंडिंग पार्ट कंप्लीट किया था उसी तरीके से डिसेंडिंग करना है, बस डिसेंडिंग में ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करना है। क्लियर? नाउ ऑल ऑफ यू सेल्फ डू इट। ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज राइट टू इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब बच्चों हमें एक डेसिमल गिवन है, डेसिमल नंबर इज गिवन, उसके हमें टू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स फाइंड आउट। Now suppose that is a 0.5. This decimal number is given, and how we convert it into two equivalent decimal numbers? अब हम कैसे convert करेंगे बेटा? जैसे 0.5 है, इसके बाद हम अगर right में zero लगा दें, तो ये इसकी equivalent बन रहा है, और next हम 0.500 दो zero लगा दें, तो ये सेकेंड इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर थर्ड इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर पूछा है तो हम 5 के बाद कितने जीरोस लगा देंगे, 3। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में इनको लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट दैट इज द बी फॉर्म, दैट इज 3.03। अब बेटा आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में, देखिए यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद कितने गिवन है, 2 to 3, तो इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे 3.030 और नेक्स्ट इक्विवेलेंट हो गया 3.030। इन दिस वे वी कन्वर्ट इट इनटू टू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। इस तरीके से हम टू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर कि हाउ यू कन्वर्ट इट इन टू टू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। 3 पूछा है तो अभी मैंने बताया था 3 में कैसे करेंगे, 4 पूछा है, इस तरीके से हम आगे जीरोस पुट करते जाएंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर?